नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में नागरिकों के अपने अपने अनुभव होते हैं, लेकिन आगरा के विकास के प्रति प्रतिबद्ध एवं प्रेरक संगठन सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी के रूप में हमारे अनुभव अच्छे नहीं हैं। हम महसूस करते हैं कि शासन की पारदर्शिता संबंधित घोषित नीति का व्यवहार में पालन नहीं हो रहा है। सामान्य पत्राचार के माध्यम से सूचनाओं की आधिकारिक रूप से पुष्टि जानकारी देना तो दूर पत्र का जवाब तक नहीं दिया जाता। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और आम नागरिकों के पत्रों के जवाब तो दूर आगरा जैसे महत्वपूर्ण महानगर के प्रथम नागरिक मेयर तक के जवाब मुख्यमंत्री कार्यालय तक नहीं दे रहा है, जबकि पत्र प्राप्ति की सूचना पर बाद में पत्र का जवाब देना सचिवालय के शिष्टाचार में है। हम यह बात इस आधार पर कह रहे हैं कि मेयर श्री नवीन जैन ने आगरा के नागरिकों से जुड़े मुद्दों को अपने पत्रों के माध्यम से शासन के समक्ष उठाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखे। उनके द्वारा इन पत्रों के बारे में स्थानीय मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दी गई, लेकिन प्रथम नागरिक के द्वारा लिखे गए ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचना दूर उनके कार्यालय सचिवालय के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। हमने सचिवालय से जब पत्रों के संबंध में जानकारियां जुटाने का प्रयास किया तो आधिकारिक रूप से भी सूचित दिया गया है कि आगरा के मेयर के द्वारा प्रेरित पत्र प्राप्त नहीं हुए। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि मेयर गलत नहीं हो सकते, उन्होंने जरूर पत्र लिखे होंगे, किंतु सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय में लापरवाही दिखाई गई। हालांकि सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने आधिकारिक रूप से केवल मेयर के पत्रों के संबंध में ही जानकारी जुटाई है, लेकिन आगरा से संबंधित मामलों में शासन की ओर से पत्राचार में लापरवाही ही दर्शाया जाना ही महसूस किया जा रहा है। श्री शिशुमणि सिंह अध्यक्ष सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने कहा है, पब्लिक के सामान्य परों के जवाब जो रीति और शिकायत ना हो शासन से पत्राचार श्रेणी के होते हैं। संबंध में अगर कोई नई नीति बनी है तो उसे उजागर किया जाए, क्योंकि सामान्य नागरिकों का उत्तर प्रदेश शासन की पारदर्शिता वाली नीति को लेकर अनुभव अच्छा नहीं है। सामान्य से सामान्य जानकारी भी पर्देदारी में छुपी हुई है, जिसका ब्यूरोक्रेसी जमकर दुरुपयोग कर रही है। जन प्रहरी के सचिव श्री नरोत्तम सिंह शर्मा ने भी प्रेस वार्ता में बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री का ज्ञापन जो कि आगरा जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया था, वो भी मुख्यमंत्री सचिवालय के अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से मांग करती है कि आगरा जनपदों के सांसदों विधायकों और जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा शासन को प्राप्त हुए पत्रों की संख्या व उनके निस्तारण की स्थिति के बारे में पड़ताल करवाएं, और अगर सचिवालय के पत्राचार संबंधित शिष्टाचार के विरुद्ध ना हो तो ट्विटर हैंडल सचिवालय के आधिकारिक प्रेस नोट के माध्यम से जानकारी सार्वजनिक करवा दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को श्री शिरोमणि सिंह, श्री राजीव सक्सेना, श्री नरोत्तम सिंह शर्मा और श्री अनिल शर्मा ने संबोधित किया। बाइक सिटी न्यूज से संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट आगरा से। हाँ, मैं नरोत्तम शर्मा जनप्रहरी एनजीओ चलाता हूँ। जी जी, देखिए, कमी प्रशासन लेवल पर है, चाहे डीएम लेवल पर है या डीएम कार्यालय लेवल पर है। अब इसको तो नहीं देखना पड़ेगा, या यदि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो लेटर नहीं आ रहे हैं तो उन्हें उसको किसी एजेंसी से जांच करानी चाहिए। हमने 40 एफिडेविट लगे थे कुछ लोगों की एक ग्राम सेवा की शिकायत के लिए,
और बाकी के और डॉक्यूमेंट लगाकर 80 पेज का एक प्रतिवेदन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी आगरा के द्वारा भेजा। जब उस पर काफ़ी समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने RTI के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा कि ये रजिस्टर नंबर है, इस नंबर से रजिस्ट्री गई है। उस कार्यालय से जिलाधिकारी के से लेके दोनों नंबर हमने और वहाँ RTI जब मांगी तो उनके द्वारा जवाब दिया गया कि सीरियल पे और इस पे हमारे यहाँ इस कार्यालय में कोई शिकायत नहीं आई। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से पूछा, उसमें कुछ आपके साथी भी थे, उन्होंने चलाया भी था, जब DM साहब से हम मिलने गए थे, हमने कहा आपका कार्यालय बता रहा है कि हमारा लेटर यहाँ से हमने डिस्पैच किया है उसकी संख्या है, मुख्यमंत्री कार्यालय बता रहा है कि पत्र हमारे पास पहुँचा नहीं है, 80 पेज का डॉक्यूमेंट फिर आपने कहाँ गायब कर दिया जिसमें ओरिजिनल एफिडेविट लगे हुए हैं जनता के, बाकी के भी बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। तो हम फिर एक बार आप लोगों के द्वारा और भी हम भी अपने लेवल से उठाना चाहते हैं कि ये कहाँ गैप है, काम नहीं करना चाह रहा है प्रशासन, खाली भाषणबाजी करना चाह रहा है या इनके उसमें कहीं छेद है और उससे प्रशासन इनकी ये निरंतर ये कहे जा रहे हैं कि प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है, तो ये मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। तो मैं शायद आप लोगों को उसकी कॉपी दे दी भाई साहब, दे दी। अच्छा अच्छा, तो शायद आप पे है। तो मैंने RTI के तहत जब वो मांगा था तो उन्होंने RTI में जवाब दिया कि इस कार्यालय में इस तरह के एक लेटर नहीं और भी कई हैं, इस प्रकार के कई हैं, जैसे मैं अनिल शर्मा हूँ, सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का सेक्रेटरी हूँ। आज हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें मेरे साथ श्री शिरोमणि सिंह, श्री राजीव सक्सेना और श्री नरोत्तम सिंह जन प्रहरी के जो सेक्रेटरी हैं, हम साथ में मिलकर बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट पारदर्शिता की बात करती है कि चिट्ठी जो चिट्ठियाँ जनप्रतिनिधि और साथ में सामाजिक संगठन जो लिखते हैं वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में नहीं पहुंचती हैं, और जो पारदर्शिता की बात सरकार और विकास की बात जो सरकार कर रही है वो नहीं होती है। मेयर साहब ने दो चिट्ठियाँ, मेयर साहब बहुत भले आदमी हैं और मेयर साहब ने ज़रूर चिट्ठी लिखी होगी, लेकिन वो चिट्ठियाँ भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं पहुँची है। एक वुहान पर जो बहुत बड़ा हल्ला मचा था वो भी चिट्ठी नहीं पहुँची है, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने कहा है। और दूसरा फिल्म सिटी के लिए जो मेयर साहब ने बहुत जोर शोर से पुरजोर तरीके से कहा था कि आगरा में होना चाहिए, वो भी चिट्ठी वहाँ नहीं। अगर ये चिट्ठियाँ वहाँ नहीं पहुँच रही हैं, हमारी समस्याएं चीफ मिनिस्टर तक नहीं पहुँच रही हैं और नौकरशाही कहाँ चिट्ठी को छुपा रही है, वो बहुत समझने वाली बात है। इसको हमको हम इसका कहते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और पारदर्शिता लाई जाए। साथ में हमारे श्री नरोत्तम शर्मा जी भी हैं, वो और अपने बारे में बताएंगे जो उन्होंने कार्य किया।